CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ 15 नौकर पृष्ठ संख्या 105। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आम तौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्टरी से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वह जोर देते थे। पृष्ठ संख्या 106। कौपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। एक घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में दो बार भोजन परोसने का कार्य कर भी चुके थे। पृष्ठ संख्या 107। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहां आ गईं। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले आए। बर्तन एकदम चमकते न हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझकर चांदी सा चमका सकते थे। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहां रखना चाहिए,
इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहां रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। पृष्ठ संख्या 108। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे, शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार कर रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तश्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। पृष्ठ संख्या 109। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नोआखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था।
अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई हैं। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता ही नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक मां से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने मां का दूध छोड़ दिया। पृष्ठ संख्या 110। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूं जो मेरी सामर्थ्य से बाहर न हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को दोहता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पाखाने की सफाई करता। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहां काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूं। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। इसे लिखा है अनु बंदोपाध्याय ने। पृष्ठ संख्या 111। लेखिका के बारे में। अनु बंदोपाध्याय
जिनका जन्म 1917 में और मृत्यु 2006 में हुई, स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रहीं। उन्होंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्हें गांधी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से सीखा जा सकता है। पृष्ठ संख्या 112, प्रश्न अभ्यास, निबंध से। प्रश्न एक, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? प्रश्न दो, आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से तीन ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण हो। प्रश्न तीन, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? प्रश्न चार, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया? प्रश्न पांच, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? इसे पाठ पढ़कर लिखो। निबंध से आगे। एक, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? पैदल चलने के क्या लाभ हैं? लिखो। दो, अपने घर के किन्हीं 10 कामों की सूची बनाकर लिखो और यह भी कि उन कामों को घर के कौन कौन से सदस्य अक्सर करते हैं। तुम तालिका की सहायता ले सकते हो। तालिका के पहले कॉलम में है काम। एक, घर का सामान लाना। दो, घर की सफाई करना। तीन, बिस्तर रखना। चार, खाना बनाना। पांच, कपड़े धोना। तालिका के अन्य कॉलमों में है उन लोगों के नाम जो इन कार्यों को करते हैं या करते होंगे, और प्रत्येक के सामने प्रत्येक काम के अनुसार उन पर सही निशान लगाना है। पहले कॉलम में है मैं, दूसरे कॉलम में माँ, तीसरे कॉलम में पिता, चौथे कॉलम में भाई, पांचवें कॉलम में बहन, छठे कॉलम में चाचा, सातवें कॉलम में दादी और आठवें कॉलम में अन्य। अब यह देखो कि कौन सबसे ज्यादा काम करता है और कौन सबसे कम। कामों का बराबर बंटवारा हो सके इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, सोचकर कक्षा में बताओ। पृष्ठ संख्या 113, अनुमान और कल्पना। एक, गांधी जी अपने साथियों की जरूरत के मुताबिक हर काम कर देते थे, लेकिन उनका खुद का काम कोई और करे ये उन्हें पसंद नहीं था। क्यों? सोचो और अपनी कक्षा में सुनाओ। दो, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी ऐसा क्यों कहते होंगे? तर्क के साथ समझाओ। तीन, गांधी जी की कही लिखी बातें लगभग 100 से अधिक किताबों में दर्ज हैं। घर के काम, बीमारों की सेवा, आगंतुकों से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी को लिखने का समय कब मिलता होगा? गांधी जी का एक दिन कैसे गुजरता होगा, इस पर अपनी कल्पना से लिखो। चार, पाठ में बताया गया है कि गांधी जी और उनके साथी आश्रम में रहते थे। घर और स्कूल के छात्रावास से गांधी जी का आश्रम किस तरह अलग था, कुछ वाक्यों में लिखो। पांच, ऐसे कामों की सूची बनाओ जिन्हें तुम हर रोज खुद कर सकते हो। पृष्ठ संख्या 114, भाषा की बात। एक, क, पिसाई संज्ञा है। पीसना शब्द से ना निकाल देने पर पीस धातु रह जाती है। पीस धातु में
आई प्रत्यय जोड़ने पर पिसाई शब्द बनता है। किसी किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसे संज्ञा बनाने के बाद उसके रूप में बदलाव आ जाता है, जैसे ढोना से ढुलाई, बोना से बुआई। मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। आगे कुछ संज्ञाएं दी गई हैं, बताओ ये किन क्रियाओं से बनी हैं? रोपाई, कटाई, सिंचाई, सिलाई, कताई, रंगाई। ख, हर काम धंधे के क्षेत्र की अपनी कुछ अलग भाषा और शब्द भंडार भी होते हैं। पहले लिखे शब्दों का संबंध दो अलग अलग कामों से है। पहचानो कि दिए गए शब्दों के संबंध किन किन कामों से हैं। दो क, तुमने कपड़ों को सिलते हुए देखा होगा। आगे इस काम से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं। आसपास के बड़ों से या दर्जी से इन शब्दों के बारे में पूछो और इन शब्दों को कुछ वाक्यों में समझाओ। तुरपाई, बखिया, कच्ची सिलाई, चोर सिलाई। ख, नीचे लिखे गए शब्द पाठ से लिए गए हैं। इन्हें पाठ में खोज कर बताओ कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। कालिक, भराई, चक्की, रोशनी, सेवा, पतीला। अभी आप सुन रहे थे ये पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT, नई दिल्ली, भारत।